सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मेरी लाइफ इतनी सेक्सी नहीं है जैसी टीवी पर दिखाई देती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं रोटेरियंस का, खासतौर से ब्रजेश माथुर का, जिन्होंने मुझे इस शानदार समारोह में इनवाइट किया, आपसे बात करने का मौका दिया। मैं रोटेरियंस के काम के बारे में, डोनेशंस के बारे में बहुत कुछ सुनता रहा, लेकिन आज यहां आकर पता चला, 100 साल से ज्यादा का वक्त हुआ और आप लोगों ने अपने डोनेशन से, अपने खर्चों से काट करके, पैसा दे करके पब्लिक वेलफेयर के काम किए, पोलियो के लिए काम किया, एजुकेशन वेलफेयर के लिए काम किया, $3 बिलियन का कॉर्पस बनाया। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैं बात इसी अधिकार से कह सकता हूं कि अगर हमारे देश में डोनेशन देने वाले लोग ना होते, दान करने वाले लोग ना होते, तो मैं आपके सामने आज शायद इस तरह से खड़ा नहीं होता। ना मैं पढ़ पाता, ना खा पाता, ना पी पाता। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, जब आंख खुली थी तो पुरानी दिल्ली में एक 10x10 का कमरा था, सब्जी मंडी में, तीसरी मंजिल पर। उस कमरे में 7 भाई, एक बहन, एक बीमार पिता और एक बीमार मां, 10 लोग रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग उस फर्श पर एक साथ सो पाते, तो जैसे कपड़े की दुकान में तख्त लगा दिया जाता है एक के ऊपर एक, ऐसे तख्ते लगाकर उस पर सोते थे। घर में बिजली नहीं थी तो पास में एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर आपको पढ़ने जाता था। पानी नहीं था, गली के नुक्कड़ पे एक नल था कॉरपोरेशन का, उसमें हम खुले में जाके नहाते थे और 2 बाल्टी पानी एक मां के लिए, एक बहन के लिए घर में ले आते थे। कोई फटी हुई साड़ी को टांग के उसके पीछे किसी तरह से नहाती थी। खाने के लिए कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। अमेरिका से उस जमाने में, जो यहां सीनियर लोग जानते होंगे कि गरीबों को बांटने के लिए मिल्क पाउडर आया करता था, उसके डब्बे हम लाइन में लग के घर ले आते थे और कई कई दिन वो पीकर काम चलता था। किसी ने मेरी स्कॉलरशिप के लिए डोनेशन दिया, किसी ने किताबें खरीद के दी, किसी ने यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए, किसी ने स्कूल की फीस दी, उससे जिंदगी आगे बढ़ी। तो आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश की सोसाइटी के लिए, उससे मेरे जैसे लोग बनते हैं, बड़े होते हैं, आपके सामने खड़े हो पाते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और ऐसे संघर्ष में, ऐसे तकलीफ में, अभाव में, हमारे बाबूजी जिनके साधन नहीं थे, वो हिम्मत देते थे। वो कहते थे कि अभाव से, गरीबी से, तकलीफ से डरना क्यों। मैंने एक दिन कहा कि इससे तो तकलीफ है, आंख में आंसू है। उन्होंने कहा कि अगर अच्छे स्कूल में जाते, अच्छी यूनिफॉर्म तुम्हें पहनने को मिलती, गाड़ी होती, खाने को अच्छा होता, तो खुश रह लेते, कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन अभाव में, गरीबी में, भूख में खुश रह के दिखाओ, ये बड़ी चुनौती। हर मोड़ पर उन्होंने हिम्मत दी, ताकत दी। बहुत छोटा था मैं तब,
बीमारी से माँ की डेथ हो गई, इलाज नहीं करवा पाए, लेकिन बाबूजी की हिम्मत देखने वाली थी। एक दिन मैंने उन्हें कहा कि ऐसे जीवन का क्या लाभ। उन्होंने कहा कि समझो ये जीवन एक आग की तपती भट्टी है, अगर तुम सोना हो तो इस तपती आग की भट्टी में से संघर्ष में से तप के निकल जाओगे, खराब सोना बन के निकलोगे। अगर सोना नहीं हो तो जीवन का क्या फायदा, भट्टी में भस्म हो जाओ, वो बेहतर है। हर मोड़ पर जब जब तकलीफ हुई, कई बार मैं कहता था कि रात को नींद नहीं आती, तो कहते थे कि अगर नींद आएगी तो वो सपने देखोगे जो लोग नींद में देखते हैं, अगर जागोगे तो वो सपने देख पाओगे जिन्हें पूरा करने के लिए लोग जागते हैं। उनके वाक्य आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। और फिर हम तो छोटे सपने देख पाते थे, लेकिन जो लोग सोचते हैं, जो लोग आपको प्रेरणा देते हैं, उनके दिल की बात दूसरी होती है। उस जमाने में सिर्फ एक टीवी चैनल होता था, दूरदर्शन। उस पर फिल्म आती थी, आधी फिल्म सैटरडे को और आधी संडे को, पुराने लोग जानते हैं इस बात को। तो हम लोग पड़ोस में किसी के घर पे वो फिल्म देखने जाया करते थे। मुझे याद है कि एक दिन शनिवार को आधी फिल्म देखी, मैं घर वापस आया। अगले दिन संडे को जब उनके घर में गए तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, बहुत देर दरवाजा खटखटाया, नहीं दरवाजा खुला। मैं घर वापस आया, आंख में आंसू थे, बाबूजी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि ऐसे हम फिल्म देखने गए थे, टीवी पे उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, भगत सिंह की फिल्म शहीद। तो एक वाक्य उन्होंने कहा तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। मैं 8 साल का था, कहीं ये बात जहन में समा गई, सोचा भी नहीं था। लेकिन जिस दिन टीवी पर आना शुरू हुआ, लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, बाबूजी जीवित थे, उन्होंने कहा कि सपना पूरा हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ये जो इतने लोग ऑटोग्राफ मांगने आते हैं, तस्वीर खिंचाने आते हैं, तुम्हें एडमायर करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इसकी वजह से मन में अहंकार नहीं आ जाए, पांव जमीन पर रहे, ये चीज हर रोज याद रखना। उन्होंने कहा था कि आसमां से रिश्ते किसी के नहीं होते, आसमां से रिश्ते किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो किसी के नहीं। और ये बात मैंने गांठ में बांध ली। आपके अदालत का नजारा आपने देखा है, मेरा सौभाग्य है बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछने का, बात करने का मौका मुझे मिला। मैंने कोशिश की कि विनम्रता बनी रहे, कभी इस बात का अहंकार ना आए। और जिन लोगों ने इतना बड़ा बनाया, जिन लोगों के शोज देखने की वजह से मैं यहां पहुंचा, उन लोगों के प्रति मैं हमेशा विनम्र बना रहा हूं, उनको हमेशा प्रणाम करता हूं, ये मेरी कोशिश है। और आपकी अदालत के शो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे मैंने कहा था कि आपके मन में बहुत सारी शंकाएं सवाल होंगे, मैं उनका जवाब दूंगा, वी विल हैव एन इंटरेक्टिव सेशन। 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार ऐसे लोग आपकी अदालत में आए जो जिंदगी भर के लिए लेसन दे गए। रिसेंटली मैं सलमान खान का उदाहरण बताना चाहता हूं, बहुत बड़े स्टार हैं,
इमेज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैंने करीब से देखा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे इंसान है। अपनी पर्सनल कमाई में से हर रोज 10 से 20 लाख रुपए का डोनेशन उनके पिताजी बैठकर रोज चेक काटते हैं लोगों के इलाज कराने के लिए। तो जब वो प्रोग्राम में आए तो बहुत सारे सवाल जवाब हुए, उन्होंने पहली बार खुलकर बात की, और प्रोग्राम के बाद मैंने उन्हें कहा कि सलमान ये क्या जानबूझ के आप ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा सर ये सवाल आपने शो में भी पूछा, वहां मैंने जवाब दे दिया, लेकिन उन्हें कहा कि खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक होंगे तो गुनाह कौन करेगा। लेकिन मैंने उनसे ये सीखा कि पब्लिक में क्या इमेज है उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, आप जो लोगों के लिए कर सकते हैं उससे संतुष्टि हासिल करते रहो। और आज भी मैं आपको कह सकता हूं, मैं इतने लोगों से मिला हूं, इतने लोगों से बात की है, उनके दिल में जो तड़प है गरीब के लिए, उनके मन में जो तड़प है बीमार लोगों के लिए, उसका शायद कोई दूसरा ऐसा फिल्म स्टार मैंने देखा नहीं। जब अटल बिहारी वाजपेयी आपके अदालत में आए थे उस समय शायद हमारी सदी के सबसे बड़े ओरेटर थे, मैंने भी बहुत तैयारी की थी उनसे सवाल पूछने के लिए, और मैंने बड़ी तैयारी से उनसे पहला सवाल ये कहा कि आप कवि हैं लेकिन राजनीति में हैं, आप सेक्युलर हैं लेकिन आप बीजेपी में हैं, आप कुंवारे हैं लेकिन परिवार के साथ रहते हैं, बहुत विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन आपकी लाइफ में। उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं हमारे माता पिता ने हमने नाम रखा था अटल बिहारी, मैं अटल भी हूं और बिहारी भी हूं, जब नाम में कॉन्ट्रडिक्शन है तो काम में होगा। ऐसी हाजिर जवाबी, ऐसी मैंने उनको पूछा कि अटल जी आपके चेहरे की लाली का राज क्या है, उन्होंने कहा कि ये राज जो है जो सबके सामने बताया नहीं जा सकता। उनको जवाब देने में एक सेकंड का वक्त लगता था, तुरंत जवाब देते थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात सीखी। उस शो के बाद जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत कीर्तिमान हासिल किए हैं, बहुत लोगों का प्यार हासिल किया है, बहुत बड़े बने हैं, हमेशा ध्यान रखिए जितने बड़े होते जाएं बर्दाश्त करने की ताकत उतनी बढ़ाते जाएं। बहुत बड़ी बात है, जितने बड़े होते जाएं बर्दाश्त करने की ताकत उतनी बढ़ाते जाएं, ये बात मैंने हमेशा ध्यान में रखी, इस चीज ने बहुत ताकत दी, बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबे किस्से हैं, बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन कोशिश ये करें कि हम आपके मन में जो सवाल हैं, आपके मन में जो शंकाएं हैं, मेरा जो खुली किताब है मैं चाहता हूं आप सवाल पूछें, आज मैं जवाब दूं, हमेशा मैं सवाल पूछता हूं लोग जवाब देते हैं। कहां से शुरू करें? हेलो, पहला सवाल मैं मन से ही करना चाहूंगा रजी जी आपके साथ में, कि अभी आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है बहुत हाजिर जवाब थे, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किसके इंटरव्यू करने से हुई? वैसे तो आजकल सब लोग बहुत सटीक जवाब देने लगे हैं, लोग सीख गए धीरे धीरे, लेकिन करीब 4.5 साल पहले पिछले चुनाव के समय नरेंद्र मोदी के साथ जो आपकी अदालत मैंने किया था वो बहुत अच्छा था, वो भी जवाब देने में बहुत तेज है, बहुत हाजिर जवाब है, और उनके बारे में इंप्रेशन ये था कि उनसे लोग सख्त सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन मैंने उनसे हर तरह के सवाल पूछे और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छे से जवाब दिए। मुझे ध्यान है मैंने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने उन्हें कहा था कि हमारे मोबाइल पर मैसेज आते हैं राहुल खाए चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। दूसरा मैंने उनको कहा सोनिया बोली अब तो मुंह खोलो है सरदार, तो मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो मैंने कहा ऐसे मोबाइल पर मैसेज आते हैं,
तो बड़ी हाजिर जवाबी थी। उन्होंने कहा कि मैं तो ये मैसेज नहीं भेजता, आप लोग भेजते हैं तो आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर एक मुश्किल एक ऐसी सिचुएशन आई थी जब अब मेरे मुंह से निकला कि आजम खान ने कहा कि आप कुत्ते के पिल्ले के बड़े भाई हैं। एक बार कहने के बाद मेरा दिल धड़का था, मुझे लगा ये शायद नाराज हो जाएंगे और जवाब नहीं देंगे या उल्टा जवाब दे सकते हैं। एक उन्होंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, कुत्ते से ज्यादा वफादार दूसरा कोई नहीं। और एक बड़ी सीख उन्होंने अपने प्रोग्राम के दौरान दी थी, उन्होंने कहा था कि ऐसे कुछ कुछ बनने का सपना मत देखो, अगर सपना देखना है तो कुछ बनने का सपना मत देखो, सपना देखना है तो कुछ करने का सपना देखो। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी जो मैंने उनके प्रोग्राम से सीखा। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज डॉक्टर करिश्मा हांडा। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। First of all, it's an honor to share an acquaintance with you today. I thank Rotary for it. अभी जब आपकी अदालत की बात हो रही है तो मेरा question I think उसी के relevant होना चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ on behalf of the audience sitting here, इतने बड़े शो के ऑडियंस हम बनना चाहेंगे तो उसका कोई प्रोसीजर या कोई तरीका अगर आप हमें बताएं तो। बहुत सीधा सा तरीका है, आपका जितना सिंपल सवाल है तरीका भी उतना सिंपल है। एक नंबर है 93505 93505। Sir, just a moment. Can we take it down? 93505 93505। इस नंबर पे फोन करके या मैसेज छोड़ दें, अपना नंबर छोड़ दें, हमारे यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। They will invite you. This is how we invite people for our agenda. Thank you so much, sir. Thank you. Hello, राजेजी, मेरा एक प्रश्न है। ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये ललित खन्ना है, ये कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे, बहुत कुछ जानते मेरे बारे में। जी ललित, किसी भी सेलिब्रिटी को इनवाइट करने से पहले या उसकी क्लास लेने से पहले, मैं तो यही कहूँगा क्लास लेने से पहले, आप उसके बारे में कितनी तैयारी करते हैं और कितना टाइम स्पेंड करते हैं एक एपिसोड के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने बरसों बाद ललित खन्ना से मेरी मुलाकात यहाँ हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिपेंड करता, तैयारी कितनी करनी पड़ती है ये डिपेंड करता है अलग अलग पर्सनैलिटीज के ऊपर। आम तौर पर जब आपकी अदालत की रिकॉर्डिंग होती है उससे करीब 24 घंटे पहले मैं किसी से मिलता नहीं। मैं फ्रेंकली बहुत घबराया होता हूँ, अपने आप को कमरे में बंद रखता हूँ, मैं उस व्यक्ति के बारे में रिसर्च करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ। कई बार ऐसी पर्सनैलिटीज होती है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती, तो उनके लिए दो दो दिन तीन तीन दिन भी काम करना पड़ता है। और ये हालांकि रिसर्च टीम है, वो लोग बहुत सारी रिसर्च करके मुझे देते हैं, लेकिन सच बात यह कि जो कुछ है खुद करना पड़ता है, अपने आप पढ़ना पड़ता है, अपने आप समझना पड़ता है। और जब प्रोग्राम करते हैं तो जो रिसर्च की होती है उसका बहुत सारा हिस्सा किसी काम नहीं आता, ज्यादातर वो काम आता है जो चीजें स्पॉन्टेनियसली अपने मुंह से निकलती है। और वो कैसे निकलती है ये कोई ऊपर वाला कराता है ये मैं जानता नहीं कैसे। रेणुका चौधरी उस समय कांग्रेस की सरकार की मंत्री थी, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कैसे मुंह से बात निकल जाती है। उनसे मैं पूछ रहा था, उनके बारे में ही कह रहे थे कि उनके हस्बैंड उनके काम में इंटरफेरेंस करते हैं, तो मैंने कहा कि रेणुका जी आपके पति कह लिए, नहीं नहीं पहले आप एक मुझे बताइए कि आपकी शादी हो गई, मेरे मुंह से निकला आपका इरादा क्या है। तो ये ऐसी चीजें होती है जिसमें रिसर्च कुछ काम नहीं आती, स्पॉन्टेनियसली ऐसी बहुत सारी चीजें निकलती है। रजत जी, आज से 41 साल पहले जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सेक्रेटरी थे तो मैं आपकी काउंसिल में लॉ सेंटर वन से सेंटर काउंसलर था। अच्छा। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आपका प्रोग्राम अभी और कितने साल चलेगा? ये सब आप पर डिपेंड करता है, जब तक आप लोग देखते रहेंगे मेरी सांस में सांस रहेगी मैं आपकी अदालत करता हूँ, ये सब आप पर। मेरा सवाल ये है, ये भी मुझे यूनिवर्सिटी के जमाने से जानते हैं। जी जी, जैसे आपने सुना कई बार पेपर आउट हो जाता है और प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, क्या आपके अदालत के करते हुए आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने कोई तैयारी की और पेपर लीक आउट हो गए क्वेश्चन और आपने प्रोग्राम कैंसिल किया हो, आप चाहते जवाब न दें? नहीं, दो बातें, एक तो क्या है सवाल तो किसी को पता नहीं होते, तो वो सिर्फ मुझे पता होते हैं, तो वो तो लीक आउट होने का सवाल ही नहीं होता।
लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि लास्ट मिनट पर लोगों ने प्रोग्राम कैंसिल किया है। कई बार मेरी अगर तैयारी पूरी नहीं होती तो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एक दिन बाद, दो दिन बाद या कुछ दिन बाद कर लें। ये कई बार होता है, क्योंकि मैं बिना तैयारी के आपकी अदालत नहीं करता। अगर तैयारी होगी तो आपकी अदालत होगा, नहीं होगी तो मैं नहीं करता। आपको बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मेरा नाम विपिन है, मैं प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब दिल्ली रोटरी का। दो सवाल आपसे, एक तो राहुल गांधी को बुला रहे हो, राहुल गांधी को बुला रहे हो आपके अदालत में, आप बुला लो मैं। नंबर दो, आप तैयारी कितनी करोगे इसके लिए? जी कितनी तैयारी करूंगा आप इसके लिए, राहुल गांधी के लिए? नहीं, उनको तैयारी करनी पड़ेगी मुझे। हेलो रजत जी, मैं सतपाल जैन सोनीपत से हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जीरो से हीरो बने हो, आपने पब्लिक के लिए जैसे आप छोटे से बड़े बने हो, आप भी कोई एनजीओ या कुछ काम कर रहे हो क्या? आप भी क्या पब्लिक के लिए कोई काम कर रहे हो जैसे आप? मैं करता हूँ जी। मैं आप पूछ रहे पब्लिक के लिए कुछ काम करते हैं? हाँ जी। जो भी मैंने तकलीफें झेली है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनको इस तरह की तकलीफ ना हो। मैं उन कामों के बारे में बहुत ज़्यादा कभी पब्लिकली बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपने पूछा इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों को हम ध्यान रखते हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि इनको एजुकेशन के लिए, इनको क्लास, इनको यूनिफॉर्म के लिए, इनको पढ़ाई के लिए कुछ पैसा चाहिए। भगवान ने बहुत सामर्थ्य दिया है। मैं और मेरी वाइफ जो इस प्रोग्राम की अदालत के प्रोग्राम को डायरेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आई, जिन्होंने मुझे रजत शर्मा बनने में बहुत मदद की है, आगे बढ़ने में मदद की है, वो ज़्यादातर इन चीज़ों को देखती हैं। और क्योंकि वो इंडिया टीवी की कंपनी चलाती हैं तो CSR के जरिए, उसके अलावा इंडिया टीवी ट्रस्ट है उसके ज़रिए वो बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जिससे हम दोनों को बहुत संतोष मिलता है। हमने जो कुछ कमाया और जो कुछ बनाया हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। हमें अब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब हम दोनों का मिशन जिंदगी में ये है कि जो करें वो लोगों के लिए करें। लोगों ने जो इतना प्यार दिया है उसको वापस कैसे लौटाएं सोसाइटी में, इसकी कोशिश करते हैं। अजय जी, गुड इवनिंग टू यू सर। मैं सुधीर वालिया, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ नोएडा हूँ। आपसे बातचीत और ऑडियंस से देखने लगा जगजीत सिंह याद आ गए। उनके भी, जगजीत सिंह के भी काफी क्लास वालों निकलते थे जब भी वो कहीं जाते थे। कितने साल आप एक ही क्लास में रहे हैं, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्योंकि आई एम अ लॉयर, क्या कभी आपको कभी डेफामेशन केसेस का भी सामना करना पड़ा है? थैंक यू। डेफामेशन केसेस तो होते हैं हमारे काम में, लेकिन आज तक किसी केस में हमारे खिलाफ कोई फैसला नहीं हुआ। ज्यादातर डेफामेशन केसेस में जिन्होंने किया तो उन्हें वापस ले लिया या कोई। जहाँ तक आपने पूछा सवाल, क्या सवाल था आपका? कहा क्लास का, मैं आपको बताऊं कि इतने अभाव, इतनी गरीबी थी कि 11वीं क्लास तक पढ़ने के अलावा कुछ काम ही नहीं था। और पास तो होते गए और अच्छे नंबर आते गए। 11वीं क्लास में हायर सेकेंडरी में बहुत अच्छे नंबर आ गए, उसकी वजह से एडमिशन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो गया। ललित हमारे साथ कॉलेज में थे, वे जानते हैं कि हाँ आप भी ये मेरे साथ कॉलेज में थे, ये लोग जानते हैं कि उस कॉलेज में हमको नहीं पता था कि अरुण जेटली जो हमारे सीनियर हैं वो एक दिन देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, विजय गोयल जो हमारे साथ पढ़ते थे वो देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाएंगे, किसी को नहीं मालूम था। रोहिंटन नारिमन जो हमारे साथ क्लास में पढ़ते थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, अर्जुन सिकरी जिनके नोट्स लेकर हम पढ़ते थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी को नहीं पता था। कोई एक्टर बन गया, कोई अखबार का एडिटर बन गया, कोई कहाँ पहुँच गया। इवन आर्मी में मुझे लोग मिले जो SRCC के पढ़े हुए थे। तो ये हम समझते हमारा सौभाग्य था, किस्मत थी। और आज भी मैं अपने कॉलेज के प्रति बहुत इमोशनल हूँ और मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी में बनाने में SRCC ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन वो पढ़ लिखते थे इसलिए एडमिशन मिल गया। सवाल, आपकी अदालत चला रहे हैं पिछले 21 साल से, अब 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की नायक, आपने देखी होगी जरूर। हाँ, जरूर देखी। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ? और यदि फ्यूचर में कभी ऐसा इंसिडेंट होगा जब वो एक लाइव इंटरव्यू ले रहे थे एक चीफ मिनिस्टर का, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? देखिए, वो फिल्मों की बातें अलग होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं होता है।
कोई सीन लिखना और क्रिएट करना वो एक अलग बात होती है, लेकिन मेरा पर्पस ये होता है कि आपके अदालत में जो भी पर्सनलिटी आए, मैं उससे वो सवाल पूछूं जो आम लोगों के मन में सवाल, लोग मन में क्यूरियोसिटी होती है, शक शुबा होते हैं, सवाल होते हैं, उनको पूछे और लोगों को जनता के प्रति अकाउंटेबल बनाए, ये कोशिश रहती है। तो ऐसा तो कोई मेरे मन में कोई एम्बिशन नहीं है कि जैसा आपने उस फिल्म में देखा था, लेकिन इतना है कि जैसा प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि आपको देश की जनता ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया है और यही काम करते रहिए और मैं जब तक जिंदा हूँ यही काम करते रहना चाहता हूँ। किसी महिला की आवाज आई है, इनको मौका दे दे प्लीज। थैंक यू रजत जी। मैं डॉक्टर बीना श्रीवास्तव जी। सर आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कब किसका इंटरव्यू लेना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो चल रहा होता है उसी से रिलेटेड किसी व्यक्ति का इंटरव्यू होता है, क्या ऐसा होता है सर? हाँ, ज्यादातर ये होता है जो न्यूज में है, जिसके बारे में लोगों की क्यूरियोसिटी है। असल में लोग मेल भेजते हैं, SMS भेजते हैं या SMS करते हैं, फोन करते हैं, एक उससे अंदाजा लगता है। फिर हमारा न्यूज रूम में करीब 800 लोग हैं, उनकी ओपिनियन भी मैटर करती है, वो लोग सजेस्ट करते हैं, या कोई न्यूज में है जिसके बारे में मुझे लगता है कि लोग बहुत क्यूरियस हैं, बहुत जानना चाहते हैं, तो फिर उनको बुलाते हैं। क्या आपके इंटरव्यू से उन लोगों को कोई फायदा या नुकसान भी होता है, ऐसा आपने अनुभव किया? फायदा तो जनता का होता है, जनता को पता लगता है उन लोगों के बारे में। और कई बार लोगों ने मुझे कहा कि नुकसान हुआ है, जब घर गए तो वाइफ ने कहा कि जूते खाने के लिए क्यों गए थे। My question is, जितने भी आपके अदालत में मुजरिम आते हैं सबको बरी कर दिया जाता है, क्या कभी ऐसा मौका आया कि जज को सोचना पड़े कि उसे बरी नहीं करना है? आमतौर पे ये जो जजमेंट होता है पब्लिक पर छोड़ देते हैं, ये जो मीडिया पर्सनलिटीज होती है उनको सिर्फ कमेंट देना होता है तो हम शो को वाइंड अप कर सकें। लेकिन मुझे लगता है इस प्रोग्राम से आपने किसी को पसंद किया या किसी को नापसंद किया, उन पर विश्वास किया या ना विश्वास किया, ये जो ऑडियंसेस जो देखती हैं उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और बहुत सारे लोगों ने, आप जैसे शाहरुख खान की आपने बात सुनी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और शाहरुख बार बार ये बात कहते हैं, अभी पिछले हफ्ते भी मुझे मिले थे मुंबई में, तो वो ये कह रहे थे कि सर जिस समय आपने मुझे बुलाया था मैं इतना बड़ा स्टार नहीं था, लेकिन आपकी अदालत में आया उसके बाद मैं इतना बड़ा स्टार बना। तो ये लोगों को लगता है कि प्रोग्राम में आने से जनता फैसला कर देती है किसी व्यक्ति के बारे में। आपने अपने वक्तव्य में शुरू में रोटरी के बारे में आपने मेंशन किया अबाउट द गुड वर्क व्हिच रोटरी डज, बट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट डिस्पाइट हैविंग मोर देन मेबी 600 चैनल्स, none of them ever find it appropriate to give some mileage to the good work being done by organizations like Rotary, because most of the TV media or visual media depends on sensationalism or creating some controversies or otherwise. Don't you think that it is important that such large amount of good work being done by organizations like Rotary should be portrayed at least to a little extent by channels like you and others? आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस मात्रा में नेगेटिव न्यूज दिखाई जाती है उस मात्रा में पॉजिटिव नहीं दिखाई जाती, लेकिन हम कोशिश करते हैं। इंडिया टीवी पर अगर आप मेरा शो देखते हैं, आज के बाद रोज 9 से 10 पर आप ये शो करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि हर रोज कम से कम एक पॉजिटिव स्टोरी दिखाई जाए और सीरीज ऑफ स्टोरीज हर रोज हम कोशिश करते हैं कि कोई, मान लीजिए सत्य साई ट्रस्ट ने रायपुर में एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें गरीब बच्चों के हार्ट का मुफ्त ऑपरेशन करते हैं। मैं वहाँ गया, बाई चांस मुझे देखा, हॉस्पिटल गया तो मैंने उससे पूछा कि कैसे करते हैं, मुफ्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जो माँ बाप हैं उनके आने जाने का खर्चा, पेशेंट को लाने का खर्चा, उनके ठहरने का खर्चा, वो सब हम देते हैं। तो हमने वो रिपोर्ट दिखाई, या हमें कहीं से पता चलता है कोई एजुकेशन के लिए कोई काम कर रहा है। और मैं अपने प्रोग्राम में कहता भी हूँ कई बार कि अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरीज हैं, ऐसी कोई जानकारी है तो मुझे भेजिए, हम कोशिश करते हैं। सर मैं उसी चीज का रेफरेंस दे रहा हूँ, रायपुर का जो सत्य साई हॉस्पिटल है
वहाँ की जो कैथीड्रल लैब है 3,65,00,000 की, वो रोटरी ने दिया है। The question is that that fact was never mentioned anywhere. आ देखिए, मतलब वो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो रोटरी के दिए हुए कैपिटल से हो रहे हैं। ये हो सकता है कि उसने रोटरी का नाम ना मेंशन किया हो, नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है, मुझे याद नहीं कि हमने उसने रोटरी का नाम मेंशन किया था या नहीं किया था, लेकिन सवाल रोटरी का नहीं, सवाल देश में ऐसा एटमोसफेयर पैदा करने का है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी बात लोगों तक पहुंचे, और इसलिए नहीं कि उनका नाम होना चाहिए, इसलिए कि उससे इंस्पायर होकर और लोग डोनेशन दें और लोग अच्छा काम करें, और ये मेरा आपसे वादा है, इसको और ज्यादा करें। सर, one last question, sir. Myself, Akhil Jain, sir. My father is district chair, Pramod Jain. So myself, my question is, sir, what was the inspiration behind your आपके दादा शुरू करने में? What was the inspiration? And sir, secondly, being called the public prosecutor of the public of the India, how do you feel and what are the expectations that you see in future? What are the expectations of the people or how do you see yourself as a public prosecutor? Inspiration तो उस समय कुछ नहीं कह सकते, inspiration तो नहीं था, लेकिन मन में एक ख्याल जरूर था कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, अपने सेलिब्रिटीज को, पाक लोगों को देश की जनता के प्रति अकाउंटेबल कैसे बनाएं। ये एक प्रेरणा मन में थी, और जब ये लगा कि वाकई में अकाउंटेबिलिटी हो रही है, लोग को जवाब देने के लिए मजबूर हो रहा है और लोग इसको प्यार कर रहे हैं, तो फिर ये और बड़ा बन रहा है। आपने मेरी बात जी, लास्ट क्वेश्चन मन से शुरुआत की थी जी। हमारा मोटो है बी इंस्पिरेशन, आप लॉटरी को बी इंस्पिरेशन के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इंस्पिरेशन अपने फादर से ली और फादर ने आपको इंस्पिरेशन दी, आज लॉटरी मंच आपके सामने है, तो और हमारा मोटो है बी इंस्पिरेशन दिस ईयर, तो आपके इंस्पिरेशन का मोटो मैं लॉटरी के सब लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, हवा से कहो खुद को आजमा के दिखाए, हवा से कहो खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दिए बुझाती है, एक दिया जला के दिखाए, एक दिया जला के दिखाए। जी, हम एक इंपॉर्टेंट सवाल भूल गए, रजत जी हम एक इंपॉर्टेंट सवाल भूल गए, वो रजत जी एक आपके फैन से सवाल चिट में आया है, बस वो मैं बोल देता हूँ, आप जब भी जवाब देना चाहे। रजत जी ये है प्रीतम आहूजा जी, विल यू लाइक टू ज्वाइन रोटरी, ये क्वेश्चन है। ये कैसा सवाल है जिसका जवाब देना जरूरी है? रोटरी में तो मैं शामिल हो ही चुका हूं, और इस परिवार में शामिल होने के लिए एक अपील मेरी आपसे है, आप सब लोग बहुत डोनेशन करते हैं, बहुत समर्थ हैं, भगवान ने आपको इतनी हिम्मत इतनी ताकत दी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि जिंदगी में किसी एक ऐसे बच्चे को जिसके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे ना हो, जिसके पास यूनिफॉर्म ना हो, जिसके पास किताबें खरीदने के लिए ना पैसे हो, ऐसे एक बच्चे को शिक्षा पाने में मदद कर दीजिए, मुझे लगेगा मेरा यहाँ ना सफल हो गया।